भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि रामपुर व आनी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से अथाह नुकसान हुआ है। समेज गांव का भयावह दृश्य जब हमने देखा तो दुख की सीमा न रही। एक हरा भरा गांव जिसमें 22 मकान थे, सभी 22 मकान अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद तूफानी गति से जो पानी, पत्थर, मलबा, बड़े बड़े पत्थर बहते हुए आए और सभी मकानों को एक साथ अपने साथ बहा कर ले गए। हड़बड़ाहट में कुछ लोग दौड़ भाग कर इधर उधर अपनी जान बचा पाए, परंतु 36 जाने अभी भी लापता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सुरक्षित होने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। 3 बालिकाएं ऐसी जो वॉलीबॉल में नेशनल खेलने वाली थी लापता हैं। गांव का स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, पावर हाउस सब समाप्त हो गए। ऐसी भयावह त्रासदी कल्पना से परे है। बिंदल ने कहा कि रामपुर क्षेत्र के गानवी पहुंचने पर पाया कि मध्य रात्रि में बड़े बड़े पेड़ों के साथ हजारों टन मलबा गानवी खड्ड में आ गया और 6 पक्के मकान जो बहुत सुंदर बने हुए थे वो शत प्रतिशत मलबे के साथ बह गए। उनका नामो निशान भी नहीं बचा है। जहां ये मकान थे वहां अब बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यहां कभी मकान भी रहे होंगे। गनीमत रही कि गानवी पावर प्रोजेक्ट के बार बार सायरन बजाया गया और सभी लोग घर छोड़कर पहाड़ी पर भाग गए और सभी जाने बच गई। एक परिवार जिसमें बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, खुशियों का माहौल था, इस घटना से सब कुछ मिनटों में तबाह हो गया। शादी के लिए खरीदा गया सारा सामान, सोना चांदी, कपड़े इत्यादि सब पानी के साथ बह गए। निर्मंड होते हुए जब वह गए तो बागी पहुंचे, वहां की तबाही का मंजर भी दिल दहलाने वाला था। वहां भी अर्धरात्रि में उसी प्रकार लकड़ियां, पत्थर, मिट्टी, मलबा आया और 8 मकान जमींदोज हो गए और कुछ भी शेष नहीं रहा। प्रभु कृपा से यहां पर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को फोन के माध्यम से सूचित कर दिया गया था और लोग घरों से निकल गए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार समेज में, गानवी में, बागी में, केदस में सब जगह जो तबाही हुई है वह श्रीखंड पर्वत पर किसी एक स्थान पर बादल फटने से हुई। वहां से सारा पानी अलग अलग नालों में निकल गया और क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई से आया था इसलिए उसका वेग बहुत तेज था, जिसके कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है।